हाय एवरीवन, कैसे आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। मैं ठीक हूँ और गुड आफ्टरनून। अभी हो गया है आफ्टरनून। मैं मेरे ब्लॉग को थोड़े टाइम पहले से ही स्टार्ट किया है। यहाँ पे कपड़ा साफ हो रहा था जिस वजह से मैं कुछ भी बात नहीं की। मैं सोची कि पहले मेरा काम खत्म कर लूँ, उसके बाद आप लोगों के साथ बात करूंगी। और खाना भी बन रहा है, लंच बन रहा है, राइस और दाल ही हुआ है और कुछ नहीं। मैं देखती हूँ और कुछ बनाऊंगी, क्या बनाऊंगी। आज मैं मेरा बाल का फिर से क्या है कटिंग, क्योंकि थोड़ा सा लॉन्ग हो रहा है और आगे कुछ होने वाला है। तो ये ना मुझे मेरे बॉडी में ये एक ही चीज है जो मुझे ज्यादा परेशान करता है। मेरे फेस के ऊपर आएगा ना, मुझे बहुत बहुत इरिटेट करता है। इस वजह से मैं इसको जितना हो सकता है ना इसको ना टाइट करके रखती हूँ मीन्स टाई करके रखती हूँ। मैं कभी खुला नहीं रख पाती हूँ इसी वजह से कि मुझे बहुत परेशान है ये बाल। तो बस ये थोड़ा सा लॉन्ग हो रहा था और मैं जैसे घुमाती हूँ ना वो थोड़ा सा क्या है खिसक रहा था। मीन्स लॉन्ग होके जो निकलता है ना एक्सेस, तो लॉन्ग होके जो एक्स्ट्रा निकलता है ना वो हो रहा था। तो नहीं यार, मुझे ना सारा बन चाहिए, तो इसी वजह से मैं सोची कि थोड़ा सा कटिंग कर लेती हूँ। आगे जाके मुझे और भी ज्यादा परेशानी होने वाला है, तो चलो अभी से थोड़ा थोड़ा करके मैं सब कुछ सेटअप करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। काफी टाइम से तो कुछ भी नहीं हुआ है और आगे ना दिवाली आने वाले है, तो आई डोंट नो। मेरा जो घर का क्लीनिंग था बहुत सारा बिगड़ गया है, फिर से मुझे घर का क्लीनिंग करना पड़ेगा। अभी नहीं, अभी सुबह का ना एग्जाम चल रहा है, तो कल है लास्ट डे सुबह का। हाँ, कल है लास्ट डे। आज जो उसका एग्जाम 12 बजे खत्म हुआ, उसके बाद ही मैं लंच बनाती हूँ। उसका एग्जाम खत्म होने के बाद मॉर्निंग 9 o'clock से 12 o'clock तक उसका पेपर चलता रहता है। और मेरा घर का ना बैंड बज गया है, मैं 10 दिन से घर को देखा नहीं था, कुछ भी नहीं किया था, डस्टिंग भी नहीं किया था, तो कचरा हो गया, फिर से कचरा हो गया। कोई फायदा नहीं हुआ जितना मैं मेहनत की थी ना सफाई के लिए। बट हाँ, किचन इतना खराब नहीं हुआ है क्योंकि खाना नहीं बन रहा था, तो किचन क्यों खराब होएगा, तो इसी वजह से वो ठीक है। बट ये जो डस्टिंग हो रहा है ना, मीन्स धूल जो रोज रोज उड़ के आ रहा है ना, वो थोड़ा सा ज्यादा हो गया है। और जालियां भी आ गया है, जालियां निकालना है, सब कुछ करना है। धीरे धीरे करूंगी, फिर से संडे संडे के देख के मैं करूंगी। धूप देख सकते हो, बहुत कड़क धूप है। ये सारे मास्क है जो करें यूज करते हैं, ऐसे हर रोज वो आते हैं जो डब्बे के हैं, एक साथ ही करती हूँ। और चल गया, अभी पानी लोड कर रहा हूँ, पानी हो जाए। यहाँ पे सुबह जी जो खेले सुबह ना बस है ना। सुबह मना किया था ना तुझे? देखा ना कितना स्टाइल मार के जा रहा। और ये देखो, ये है मेरा हाउस, मैंने इतना मेहनत करके बनाया बट एक झटके में सुबह ने उसको तोड़ दिया। देखा, आई थिंक मुझे ना 1 month लग गया होगा इसको बनाने के लिए। कल ना इसको ये पलटी कर दिया, ये साइड का जो ना ये टूट गया, ये और ये सिर भी निकल गया है, और ये वाला निकल गया। ये जो बच्चा है ना, ये बच्चा मेरा हाउस तोड़ गया। कभी कभी कल कौन तोड़ा? आई डोंट नो। Thank you.
चला गया। इस तरह से होता है। कड़क धूप अभी था, एक घंटे के अंदर अभी बजा है 3 o'clock और ये धूप कहाँ चला गया है पता नहीं। ऐसा नहीं कि बारिश आई डोंट नो होएगा कि नहीं, बट हवा थोड़ा थोड़ा सा दे रहा है। हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। अभी हो चुका है ना इवनिंग। इवनिंग मीन्स 5 o'clock बजा है और थोड़ा सा धूप भी चला गया है, थोड़ा सा क्लाउडी हुआ है जैसे मैं आप लोगों को दिखाया, क्योंकि इतना भी नहीं हुआ है, बट मैं आई थिंक ना 3 बजे आप लोगों को दिखाया है। मैं तभी सुबह स्टडी किया क्योंकि उसका ना एग्जाम चल रहा है, तो उसके पीछे मैं इस टाइम लगी हूँ। मैं तो हमेशा उसके पीछे ही लगती हूँ, बट 1 week से ना उसका एग्जाम चल रहा है। मंडे से कल है सैटरडे जो है लास्ट एग्जाम, तो मैं बहुत खुश हूँ। बहुत खुश हूँ जैसे बोलो कि मेरा एग्जाम खत्म हो रहा है। हाँ, मॉर्निंग से उठते ही स्टार्ट हो जाते है उसका टाइम टेबल, जो कंटिन्यू अभी जाके एंड होता है। उसका जो भी रिवीजन वगैरह होता है ना अभी तक चलता है, अभी उसका एंड हुआ। मीन्स उसका एक क्लास है जो रिवीजन क्लास होता है वो खत्म हुआ, तो मेरा भी स्टडी खत्म हो जाता है। दोपहर को मैं थोड़े टाइम के लिए उसको लेके बैठ जाती हूँ कि मैं पहले रिवीजन कर लूँ उसका जो भी है, 2-3 chapter, 1-2 chapter ऐसे करके उनका रिवीजन हुआ है, एग्जाम हो रहा है। तो ज्यादा टाइम नहीं लगता है, 1 घंटे में मेरा काम हो जाते है, उसके बाद उसका क्लास हो जाते है, इसी से करके उसका स्टडी होता है। बट हाँ, बच्चों को टाइम देना चाहिए। और इसके बाद तो मैं हमेशा आप लोगों के साथ मेरा ब्लॉग को शेयर करती रहती हूँ कि इवनिंग से मेरा ब्लॉग हमेशा स्टार्ट होता है, क्योंकि पूरा दिन ना यही सब कुछ चल रहा था, चल रहा है, तो मैं नहीं बना पा रही थी। बट आज मुझे लगा कि लंच रूटीन शेयर करूँ आप लोगों के साथ, और जो मैंने किया है। और मैं अभी सोच रहा हूँ कि ये ब्लॉग को एम पेंट करूंगी, क्योंकि अभी अंधेरा हो जाएगा, तो मुझे अभी कुछ दिनों से लाइटिंग का प्रॉब्लम हो रहा है, लाइट बराबर नहीं है, डार्कनेस है। अभी भी आई थिंक आपको डार्क लगेगा, बट ये सनलाइट थोड़ा सा चलेगा। मैं थोड़ी टाइम के लिए बात करूंगी, उसके बाद ये ब्लॉग को एंड करूंगी। अगर आप लोग मेरा ब्लॉग फॉलो करते हो या पहले से देखे हो कि तो मैं एक बार शेयर किया था कि घर में ना बहुत सारे कीड़ा आ जाता है, जो पहले पहले भी मैं इसे अंधेरा कर लेती थी घर को शाम से, क्योंकि लाइटिंग कीड़ा है वो बहुत छोटा छोटा होता है वो, और बहुत चुभता है। मीन्स वो काटते है ना वो सूज जाता है, मीन्स फूल जाता है। मुझे नहीं पता वो क्या कीड़ा है, बट हाँ ग्रीन ग्रीन कलर का थोड़ा छोटा छोटा सा कीड़ा है जो फिर से आए हैं कुछ दिनों से। तो मैं ना शाम से हॉल और बेडरूम दोनों का लाइट थोड़ा सा डिम रखती हूँ, जिसे चलने फिरने का लाइक हो जाए। हमारा कलरफुल लाइट है तो वो हो जाता है, और बालकनी का लाइट चालू रहता है, वहां पे सारा कीड़ा रहता है। ठीक है, हाईलाइट जो है ना बालकनी में रहता है। किचन रूम में स्मॉल लाइट लगा है जो मैं कुकिंग करने के लिए यूज करती हूँ, और किचन का बाहर साइड जो है ना वहां पर हाईलाइट है, तो वो हाईलाइट को मैं कभी कभी स्टार्ट करती हूँ, किचन रूम को डाउन करती हूँ, कभी किचन रूम का स्टार्ट करती हूँ तो इसको बंद करती हूँ। इस टाइप का मैं करके इवनिंग से मेरा जो कुकिंग वगैरह है ना वो कम्प्लीट करती हूँ, नहीं तो वो कीड़ा ना खाने में भी आते हैं, खाने में गिर जाते हैं, तो मुझे वो बहुत ही होता है, और इस वजह से घर में थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम होता है इवनिंग से। तो लाइट का जो इश्यू है ना यही है, और सेकंड हो सकता है मेरा कैमरा, मीन्स मेरा मोबाइल। मेरे मोबाइल को ना 2 years हो चुका है जो ये चल रहा है, इसका वॉइस का जो ये ना, मैं अभी जैसे बात करूं ये तो ठीक चल रहा है, ये मुझे ठीक लग रहा है, जैसे मैं एडिटिंग करती हूँ ना मुझे ये तो बराबर लगता है, बट इसका जो कैमरा है ना ये मुझे थोड़ा सा लगता है कि थोड़ा सा खराब हो रहा है। मीन्स क्लियरिटी इसका अच्छा नहीं हो रहा है, जैसे बोलो कि डार्कनेस में अगर हम कुछ शूट कर रहे हैं तो वो क्या है वो क्लियर नहीं होता है, ऐसा मुझे लग रहा है। बट ओके है जैसा है वो जो भी है ना अभी तक चल रहा है, तो इसीलिए मैं इसको चेंज ही नहीं किया है। अभी चेंज नहीं हो पाएगा अभी, क्योंकि दूसरा कुछ काम है जो हो गया है और उसके पीछे खत्म भी हो गया है, तो इसीलिए मेरे लिए अभी नहीं, नेक्स्ट ईयर सोचेंगे। सेकेंड वॉइस का भी मुझे ऐसे कमेंट आया था कि मेरा वॉइस बहुत स्लो हो रहा है, बट
अभी मैं बात कर रही हूँ तो ये वॉइस बराबर जाएगा क्योंकि ये मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ, बट मैं रिकॉर्डिंग जो कर रही हूँ ना वो वाला जो वॉइस है ना वो थोड़ा सा आपको स्लो सुनाई देगा दे रहा होगा मुझे लगता है। मैं भी जब भी रिकॉर्डिंग करती हूँ या मैं एडिटिंग के टाइम सुनती हूँ तो मुझे लगता है कि वॉइस बहुत स्लो है क्योंकि वो माइक्रोफोन है ना मेरा खराब हो गया है, शायद खराब हो रहा है, वो स्लो हो गया है। सेकेंड एक स्पीकर है मीन्स जो मैं हेडफोन लगा के सुनती हूँ वो भी खराब हो गया है, वो मुझे अच्छे से अभी नहीं सुनाई देता है। ये दोनों जो चीजें ना मेरा एडिटिंग में काम देता है वो दोनों खराब हो रहा है और मोबाइल का क्लैरिटी जो है कैमरे का वो खराब हो रहा है, तो मेरा जो वाइटिंग का काम है ना इसीलिए थोड़ा सा बेकार हो रहा है। ये ही है मेरा जो भी है, मैं आज इसीलिए सोची कि थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ कि ये प्रॉब्लम है जो मैं अभी भी चाह के इसको नहीं कर पाऊंगी या इसके लिए मैं कोई भी इन्वेस्ट नहीं कर पाऊंगी क्योंकि 3 इयर्स हो गया वाईटी से मुझे अभी तक भी नहीं मिला है। फोन मेरा जो आउटिंग इनकमिंग जो कॉल है ना वो चलता है तो बस ठीक है ओके। और हाँ वीडियो बना रही हूँ, वीडियो डाल रही हूँ क्योंकि मेरा एक हैबिट हो गया है वो, और मैं चाह के भी इसको ना छोड़ नहीं पाती, इतना तबीयत खराब था फिर भी जैसे ठीक हुई ना वैसे मैं वीडियो बनाना स्टार्ट की क्योंकि बहुत मैं मिस कर रही थी आप लोगों को, मेरा कैमरे को मैं उठा नहीं पा रही थी कैमरा उस टाइम तो बहुत मूड खराब रहता था। और सेकेंड मुझे बोला गया था कि बैकग्राउंड का साउंड, तो आप लोगों को जैसे पता है या मैं काफी बार शेयर भी किया है कि इवनिंग होते अभी भी स्टार्ट हो जाएगा, 5 o'clock हो गया है तो अभी भी स्टार्ट हो जाएगा नमाज, यहाँ पे मस्जिद है नजदीक जहाँ पे नमाज पढ़ा जाता है तो वो साउंड आता है, रोड है नजदीक तो गाड़ी का साउंड आता है, और मेरे बैक साइड जैसे अभी वो मंदिर है और 2 मंदिर है यहाँ पे 3 मंदिर है 3 मंदिर है, तो अभी जैसे कार्तिक महीना चल रहा है ना तो ये 3 मंदिर में गाना स्टार्ट हो जाते हैं मॉर्निंग इवनिंग, तो ये सारी चीजें ना थोड़ा सा नॉइज करते हैं मेरे वीडियो में। जब भी मैं इवनिंग से ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ ना ये सारी चीज आपको सुनाई देता है। सेकेंड मेरे घर में है सुपू जो हमेशा टीवी स्टार्ट रहता है, उसका गेम स्टार्ट रहता है और हाई साउंड में उसका रहता है, तो उसको भी मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ। 1 मिनट रुको मुझे लगा कि लाइट थोड़ा सा डाउन हो रहा है तो मैं लाइट स्टार्ट कर देती हूँ क्योंकि शाम होने वाला है। तो ये सारे चीजें था जो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, थोड़ा सा बात करती हूँ, और मेन पॉइंट है कि आप लोग सपोर्ट कीजिए, आप लोग अगर सपोर्ट नहीं करोगे तो शायद आगे आगे ऐसे ही चलता रहेगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी क्योंकि जब तक वीडियो में व्यूज नहीं आता है यार आपको ऐसे कोई सजेशन नहीं मिलता है कि आपके वीडियो में क्या क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, जैसे ये कुछ चीजें मुझे मिला तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि चलो कोई तो इतना गौर से मुझे मेरा ब्लॉग देखते हैं, मुझे पसंद करते हैं, मेरा जो भी है ना कमियां हो या अच्छाई हो उसको बोलते हैं कि ये आपने अच्छा किया, ये आपका वीडियो में ये कमियां ही इसको सुधार लीजिए, तो बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू डियर आपने जो बोले हैं, और या मैंने इसीलिए ही आज मॉर्निंग से ब्लॉग को स्टार्ट किया कि चलो आज डे रूटीन थोड़ा सा शेयर करते हैं, हमेशा तो मैं इवनिंग से ही स्टार्ट करती हूँ, इवनिंग से शेयर करती हूँ, बट मुझे लगा कि थोड़ा सा क्लियर कर लेती हूँ कि ये प्रॉब्लम होता है तो इसीलिए डार्कनेस है, बट जो हाँ मैं कोशिश करूंगी कि थोड़ा बहुत जैसे जहां पे रोकूंगी वहां पे लाइट को ऑन रखूंगी और काम खत्म होते ही मैं वो लाइट को ऑफ कर दूंगी, नहीं तो कीड़ा इतना हो जाएगा। मैं आप लोगों को ना दिखाऊंगी एक बार मॉर्निंग में झाड़ू लगाते टाइम ना वो कीड़ा ऐसे गिरा हुआ रहता है घर में, अगर कीड़ा घर में घुस जाता है ना, होता है ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं आते हैं, जितना भी आते हैं अगर बेड साफ करके हम सोते हैं फिर भी कीड़ा आके गिरते हैं, मीन्स ये जो लिक्विड है ना मस्किटो लिक्विड उसके थ्रू आई थिंक वो कीड़ा मरते हैं और वो बेड में गिरते हैं और चुपते हैं, बहुत काटता है तो वो रात भर खुजाना होता है ये सब होता है, तो इसीलिए मैं ज्यादा कोशिश करती हूँ कि कीड़ा घर में ना घुसे क्योंकि सुबह को जो एलर्जी का प्रॉब्लम है ना उसको ज्यादा ये इफेक्ट करता है कि उसको ज्यादा सूझ जाते हैं, वो ज्यादा सूझ जाते हैं, हमारा तो 2-3 मिनट में वो ठीक हो जाते हैं बट उसका वो रह जाता है, उसको प्रॉब्लम है, इसी वजह से मुझे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है और कुछ नहीं।
बाकी आप लोगों के हाथ में है, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। जो पसंद आता है तो प्लीज लाइक कर दीजिए, लाइक करना आप भूल जाते हो तो लाइक बहुत कम हो जाता है, प्लीज लाइक कर दिया कीजिए। लाइक करना क्यों भूलते हो, लाइक तो फ्री होता है ना, सब्सक्राइब करना फ्री होता है, सब कुछ करना फ्री होता है, शेयर भी करना ना फ्री होता है, तो शेयर भी कर लो और थोड़ा बहुत इसमें ना सपोर्ट हो जाता है, दूसरे को पसंद आएगा तो दूसरे भी देखेंगे, तो इसमें हम आगे जाएंगे, इम्प्रूव करेंगे, खुश रहेंगे, तो और भी अच्छा अच्छा वीडियो बना के लेके आएंगे। तो चलिए मिलूंगी न्यू ब्लॉग के साथ, बाय।